ਅਹਿਮਦ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਓਏ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਚੀਮਾ ਬਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਟਾ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਤਗੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰ ਕਾ ਵੋਟ ਹੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਬੈਸਟ ਹੈ ਹਲਕਾ ਐਨਏ 73 ਕਿਸ ਕਾ ਗੜ ਐਨਏ 73 ਇੱਕ ਤਰਫ ਚੱਟਾ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਚੀਮਾ मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदनगर में। ये हामद नासिर चट्ठा का गांव है। 1985 से 2008 तक उन्होंने इस हलके में राज किया। उसके बाद 2008 में उन्हें इफ्तिखार चीमा ने शिकस्त दी तो उन्होंने सियासत को खैरबाद कह दिया। उनकी जगह उनके बेटे अहमद चट्ठा मैदान में उतरे। 2013 में इफ्तिखार चीमा ने एक बार फिर उन्हें भी शिकस्त दे दी। फिर उसके बाद इफ्तिखार चीमा नाअहल हो गए और 2016 में एक बार फिर ज़िमनी इंतखाबात हुए। उस दौरान अहमद चट्ठा एक बार फिर उनके मद्दे मुकाबले आए लेकिन उन्हें शिकस्त हो गई। फिर 2018 के इलेक्शन में अहमद चट्ठा और उनके मद्दे मुकाबले थे निसार चीमा। निसार चीमा ने अहमद चट्ठा को एक बार फिर शिकस्त दी और इस वक्त हम यहाँ उनके हलके में मौजूद हैं और जानेंगे कि आगे अगले इलेक्शन में कौन किसके साथ है। जी सलाम अलैकुम जी, सबसे पहले हम आपसे ही पूछते हैं कि आगे इलेक्शन फिर एक बार आने वाले हैं और माहौल बन रहा है, आप बताएँ कि आप किसके साथ हैं, किसको वोट देंगे? हम तो इधर चट्ठा साहब के साथ ही हैं। पहले भी जो इलेक्शन जो हुए हैं ना, जो जहाँ अहमद साहब आ रहे हैं वो वोटों के ज़रिए नहीं आ रहे, दांधली के ज़रिए आ रहे हैं। ये जो वोट जो है ना वो इनके ही हैं ज़्यादा। जी आप किसके साथ हैं? चौधरी अहमद नासिर चट्ठा साहब के साथ। अहमद नासिर चट्ठा तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, उन्होंने बेटे तो है ना। नहीं तुम अहमद नासिर चट्ठा ना लो या तुम अहमद चट्ठा? अहमद चट्ठा साहब ना। चौधरी अहमद चट्ठा साहब के नाल आए। इमरान खान के नाल जिंदाबाद। आप अहमद चट्ठा साहब जिंदाबाद। क्यों चट्ठे तो नहीं हो सारे तुसी? असि नहीं, असि उन्होंने गांव दे हां, असि चट्ठे नहीं है। नहीं गांव होने का मतलब ये है कि यहां पे कोई चीमा नहीं है, कोई चीमू का नहीं है उसके साथ। सबसे मिलते हैं, अवामी लीडर है, अवाम अवाम से बहुत अच्छे हैं। उन्होंने लेकिन काम अच्छे हैं तो तीन दफा तो आपने उनको हरा दिया। हराया नहीं है लेकिन वो बदकिस्मती हुकूमत। आप किसको वोट देंगे? आपने बल्ला पकड़ा हुआ है। हम पीटीआई के साथ हैं। ये बल्ले की वजह से? नहीं नहीं वैसे अभी वैसे भी साथ है। हाँ जी। तो पीटीए की अगर कल को चट्ठे की जगह पे मतलब अहमद चट्ठे की जगह पे कोई और आ जाए, अहमद जिधर भी जाएगा हमारी सपोर्ट अहमद के साथ। अभी आप कह रहे थे कि हम पीटीआई के साथ हैं, अगर कल अहमद अभी वो पीटीआई के साथ है ना, हम अहमद के साथ हैं। हाँ भी नौजवान वोट किसको देना है? जिन्हों आते दे देने जिन्हों आते मेरे कहने देने इमरान खान, इमरान खान को। हाँ जी ये बताओ ना, आप ही बताए जी वोट किसको देना आपने? वोट तो अल्हम्दुलिल्लाह देना है टीएलपी को। हाँ जी क्या बात है, चले को पहला बंदा तो इधर मिला जो अहमद चट्ठा से बाहर भी निकला है। टीएलबी को क्यों देना है, वजह क्या है उसकी? बस आज के रसूल हैं हम। अब हम वहाँ से दूसरे हलके में आ गए हैं और इस जगह का नाम है जाम के चट्ठा और यहाँ से भी लोगों की राय लेते हैं। ये छोटा सा एक कस्बा है और यहाँ से लोगों से पूछते हैं कि उनकी यहाँ पे क्या राय है। डॉक्टर चीमा साहब। हाँ जी असि भी नाल ही हैं सारे इकट्ठे ही हैं। मतलब नून लीग को आप वोट दें? जी इलेक्शन उलेक्शन आ रहे हैं तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? फिलहाल तो इमरान खान ही कर रहे हैं। आपका वोट किसको? तरीके इंसाफ। ये देखें जी यहाँ पे इन्होंने तो जहर साथ पीटीआई का जो लोगो है वो भी साथ लगाया हुआ है। आप बताएं जी आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं अभी इलेक्शन आने वाले हैं? नून लीग को। किसको वोट दे रहे हैं? आगे इलेक्शन आने वाले हैं, कोई माहौल बन रहा है तो किसको वोट दे रहे हैं? जी बिल्कुल हम तो जी शुरू से क्या नाम नून लीग को देते हैं। अच्छा हाँ अभी भी उसको देंगे नून लीग को। आप बताएं जी आप किसको वोट देंगे? जी इमरान खान। इमरान खान? हाँ। क्यों? क्योंकि वो अच्छे लोग हैं और क्या कहते हैं ये तो बेईमान चोर हैं जो नवाज शरीफ के और दूसरे, ठीक है ना, ये तो करप्शन कर कर रखे थे उन्होंने, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया सब ने। अच्छा तो आप अभी उसको देंगे तो कौन है उम्मीदवार, कौन है उनका? हम नसर चट्ठा। बताएं जी आगे इलेक्शन का माहौल बन रहा है तो आप किसको वोट दे रहे हैं? जी इंशाल्लाह मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब को देंगे जो हमारे हल्के के काम करा रहे हैं। स्पेशली ये हमारा रोड बन गया है, इसके बाद गलियाँ नालियाँ भी वो बना रहे हैं। चट्ठा साहब मुंतखब तो हुए नहीं है तो उन्होंने ये काम कैसे करवा रहे हैं, किस तरह वो काम करवा? वो पीटीआई की तरफ से थे ना, तो पीटीआई वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो अभी आगे इंशाल्लाह वो जीतेंगे भी। आप बताएं जी आप किसके साथ हैं, किसको वोट देंगे? इमरान खान। इमरान खान कौन है, उम्मीदवार कौन है उनके? अहमद चट्ठा साहब। अहमद चट्ठा साहब इधर आए भाई, आप किधर जा रहे हैं? इधर आए बताएं क्या हो गया आपका, किसको वोट देंगे? इमरान खान। इमरान खान? हाँ जी। क्यों? बहुत अच्छा है वो, इसलिए। बहुत अच्छा है? क्या किया उसने, क्या कौन से काम उसने कर दिए? बहुत काम किए हैं उसने। किसको वोट दे रहे हैं? वोट दोनों पार्टियों को। दोनों को? हाँ क्या मतलब किस तरह?
ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਧਰੇਕਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਨੂਨ ਲੀਗ ਧਰੇਕਦੀ ਆ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਣ, ਦੋ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕੋ ਦੇਗੇ ਅਬ ਇੱਕ ਦਹਿਰ ਇੱਕ ਚੀਮਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੱਠਾ ਹੈ, ਅਬ ਚੀਮੇ ਕੋ ਦੇਗੇ ਜਾਂ ਚੱਠੇ ਕੋ ਦੇਗੇ ਇਹ ਕੀ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਕਿਸ ਕੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੋ ਇੱਕ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਕੋ? ਮਤਲਬ ਆਪਕਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਐਮ ਐਨ ਏ ਕਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਦੇਗੇ, ਐਮ ਪੀ ਏ ਕਾ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਨੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਰਗੜਨ, ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਰਗੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਰਗੜ ਦੇ ਨਾ ਪੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਲ ਕੇ ਰਗੜਨ। ਕੀ ਰਗੜਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਰਗੜਾ ਹੀ ਜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਰਸੂਲ ਨਗਰ ਮੇਂ ਔਰ ਯੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਐਨ ਏ 73 ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਹਮ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਰਾਏ ਔਰ ਉਨਸੇ ਪੂਛਤੇ ਹੈ ਸਵਾਲ। ਆਪ ਯੇ ਬਤਾਏਂਗੇ ਵੋਟ ਕਿਸ ਕੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਂ? ਵੋਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਵਾਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਵੋਟ। ਕੌਣ ਸਵਾਰੇਗਾ? ਅਭੀ ਕਿਸ ਕੋ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ? ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ? ਅਭੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਤੇ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਮੇਂ ਆਪਕੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀ ਗਾ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਰਾਣਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਆ ਬਤਾਏ ਜੀ ਆਪ ਯਹਾਂ ਪੇ ਵੋਟ ਅਭੀ ਕਿਸ ਕੋ ਦੇਂਗੇ? ਵੋਟ ਵੋਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਵੋਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਆਪ ਵੀ ਬਤਾਈਏ ਜੀ ਕਿਸ ਕੋ ਵੋਟ ਦੇਂਗੇ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਕਿਆ ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਿਆ ਖਾਸ ਕਿਉਂ? ਬਸ ਚੋਰੋ ਸੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਚੋਰੂ ਸੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ। इमरान हाँ ईमानदार आदमी है इसलिए। आप ये बताएं कि आगे इलेक्शन अगर होते हैं तो किसको वोट देंगे? इमरान खान को। क्यों इमरान खान को? बहुत अच्छा आदमी है। ये सारे कहते हैं कि इमरान खान सिर्फ जो यंगस्टर है उनका है, तो जो बाबे हैं बुजुर्ग हैं वो तो इमरान खान के साथ नहीं होते। आप माशाल्लाह अभी भी आप ही कहते हैं इमरान खान को, क्यों? इसलिए कि उन्होंने हमें जिला बख्शा है, जिला दिया है तहसील वजीराबाद को। वोट किन देना जे? वोट देना शहबाज शरीफ न। शहबाज शरीफ न? ਉਹਨੇ ਕੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਬਵੇਗਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਝੂਠ ਬੱਬਲੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ। ਕਿਸ ਕੋ ਵੋਟ ਦੇਂਗੇ ਅਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ? ਜੀ ਜੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ 30-40 ਸਾਲ ਸੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਕੋ ਕਿਆ ਦੀ ਹੈ ਅਬ ਤੱਕ? ਜੋ ਨਈ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ ਵੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਔਰ ਉਸਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਦਿਆ। ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੀਆ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅਬ ਇਸਕੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ। ਪੂਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਸੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀਤੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਸਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਵੋ ਜੀਤੇਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਹਦ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਰੈਪੋ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਏ ਬਗੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਇਦਾਰੋਂ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਮੁਝੇ ਯੇ ਬਤਾਏਂ ਕਿ ਆਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਕੋ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ੌਲ ਬਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਆਪ ਕਿਸਕੇ ਸਾਥ ਕਿਸਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਂਗੇ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ ਕਿਉਂ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਚੋਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੋਰ। ਅਭੀ ਤੋ ਇਨ ਪੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਏ ਥੇ ਇਨਕੋ, ਉਨਹੋਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਆਪ ਗੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ, ਅਭੀ ਦੇਖੇ ਤੋ ਅਭੀ ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇਸਕੋ ਵੀ ਚੋਰ ਚੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ ਲਿਆ ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਘੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਰਜ ਹੈ? ਗੜੀ ਸੇ ਕੌਣ ਸਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਸੜਕ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੜਕ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਕੋ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਬਾਈ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਕੋ ਦੇਣਾ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ। ਕਿਉਂ, ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ? ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਤਾਏਂ ਆਪ, ਕੌਣ ਸੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ। 35 ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਔਰ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਪਾਸ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਣਾ ਇਸ ਮੁਲਕ? ਅਭੀ ਕਿਸਕੇ ਪਾਸ ਹੈ? ਅਭੀ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ, ਅਭੀ ਕੁਛ ਦੇਰ ਕੇ ਲਈ ਆਇਆ ਥਾ, ਕੁਛ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਰਹੀ ਥੀ ਫਿਊਚਰ। ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਬਤਾਏਂ ਅਭੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਤਬ ਬਣੇਗਾ ਮੁਲਕ ਕਾ ਕੁਛ। ਆਪਨੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਰਾਏ ਜਾਨੀ, ਅਬ ਹਮ ਚਲੇਂਗੇ ਆਗੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੇ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਆਪਕੋ ਹਮ ਆਗਾਹ ਕਰੇਂਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ ਮੇਂ ਔਰ ਯੇ ਹਲਕਾ ਐਨ ਏ 73 ਕਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਪੇ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਸੇ ਜ਼ਾਇਦ ਰਜਿਸਟਰ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਪੇ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਕਿਆ ਰਾਏ ਹੈ, ਵੋ ਆਗੇ ਕਿਸ ਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਈਏ ਹਮ ਉਨਸੇ ਜਾਣਤੇ ਹੈਂ। ਇਸਕੋ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਂ? ਮੈਂ TLP। TLP? TLP। ਕਿਉਂ, TLP ਕਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰ? ਵੋ ਹਮ ਹਮਾਰੇ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਉਸਕੋ ਵੋਟ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਉਸਕੋ ਵੋਟ ਦੇਤਾ ਹੈ। TLP ਕੇ ਸਾਥ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਆਪਕਾ? ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ। ਬਤਾਏ ਜਨਾਬ ਆਪ ਵੋਟ ਕਿਸ ਕੋ ਦੇਂਗੇ ਆਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ PTI ਕੋ ਦੇਂਗੇ। ਆਪ ਬਤਾਏ ਜੀ ਆਪਕਾ ਵੋਟ ਕਿਸ ਕੇ ਲਈ ਹੈ? PTI। PTI ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਮਾਰੇ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ ਕੀ। ਹਮ ਕਿਸੇ ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ। ਤੋ ਕੌਣ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਉਮੀਦਵਾਰ? ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਕੇ? ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਚੱਠਾ। ਆ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸ ਕੋ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪ? ਸਾਰੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਕੀ ਮਤ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਸਾਰੀ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੱਟੇਗਾ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਫਿਰ? ਅਗਰ ਦਿਆ ਤੋ TLP ਕੋ ਦੇਗੇ। ਆਪ ਤੋ ਬਤਾਏਗੇ ਨਾ, ਆਪਨੇ ਤੋ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਕਿਸ ਕੋ ਵੋਟ ਦੇਣਾ? ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ 3 ਲਹਿਬਾਕਾ ਲਗ। ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ?
बहुत नेक आदमी है, अच्छे हैं बंदे हैं। नेक आदमी कौन है, उनका उम्मीदवार कौन है यहाँ पे? उम्मीदवार जेड़ा खोलेगा जेड़ा भी होगा देंगे। मेरे पास आईडी कार्ड ही नहीं है। आईडी कार्ड बन जाएगा, आपकी उम्र तो हो ही चुकी है, किसको वोट देंगे आप बताएं? सपोर्ट किसको करेंगे? किसी को भी नहीं। आप घर वालों को तो कहेंगे ना कि किसको वोट देना? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ क्यों? इतने काम करते हैं, ठीक है, सड़कें बनवाते हैं, इमरान खान ने क्या किया? कुछ भी नहीं। आप ये बताएं कि हमें आगे इलेक्शन का जो है ना वो सीजन शुरू हो चुका है, तो वोट किसको देंगे? वोट नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को क्यों? वो इस दौर में महंगाई ज़्यादा आई है ना, इसलिए। अभी इस दौर में महंगाई ज़्यादा हुई तो वो तो सारे क्लेम करते हैं कि जनाब जब से इन्होंने आके मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत संभाली है उसके बाद ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। नहीं, महंगाई पहले से ही है इमरान खान के दौर में से। बताएं जी वोट किसको देंगे? वोट नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ का? हाँ जी, वोट नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का। अच्छा, यहाँ पे इस हल्के में चीमे हैं या चट्ठे हैं, तो जो भी उधर बाकी नाम लेते हैं कि जी मैं फलां चट्ठे को वोट दूंगा, यहाँ पे कोई चीमा कोई नहीं है या क्या चक्कर है? और यहाँ पे जो भी कहता है वो कहता है नवाज शरीफ को वोट दूंगा, तो आप नवाज शरीफ के साथ हैं या चीमा के साथ? वो जिसको टिकट देगा कुत्ते को देगा, कुत्ते को वोट देगा। इतनी मोहब्बत है वोट नवाज शरीफ? क्या वजह क्या है उसकी? क्या वो नवाज शरीफ खुद तो जाके लंदन बैठा हुआ है और आएगा इंशाल्लाह ताला? आ रहा है। कब आ रहा है देखना है, जनवरी में आएगा। जनवरी में? हाँ जी इंशाल्लाह। इलेक्शन आप इंशाल्लाह ताला। तेल 190 रुपये, 300 यूनिट फ्री, नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया है। कब किया ऐलान? पढ़ो अखबार, क्यों नहीं पढ़ते? अखबार भी पढ़ के आया हूँ। पढ़ के आओ ना, अखबार पढ़ो। ऐलान किया नवाज शरीफ ने, मेरे आते ही तेल 190 हो जाएगा। नहीं, नवाज शरीफ फ्री, नवाज शरीफ का ना तेल से कोई गरज ना उसका कोई तेल से कोई गरज नहीं, देख रहा वो तो यहाँ से भागा हुआ है। भागा नहीं, वो आ जाएगा ना, जनवरी में आ रहा है। बताएं जी अब भी इलेक्शन में आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम जी अल्हम्दुलिल्लाह जी लबैक को करेंगे। तरीके लबैक? हाँ जी। कौन है यहाँ से कोई उम्मीदवार, उनके कौन होते हैं? पता नहीं है, इंशाल्लाह पता चल जाएगा। जेड़े रोंद मारदे ने उन्हां नूं वोट की देना हुंदा। रोंद कौन मारदा? रोंद किस मारी है? रोंद ही वजह की कुछ हुकूमत ने कर छड़िया लोकां नाल। अच्छा, ए रोंद दा मतलब जेड़े रोंद मारे ने उन्हां नूं वोट नहीं देना, तो फिर कौन है दूजा, कौन है जिन्हों वोट देना? सिर्फ इमरान खान दे आ। सिर्फ इमरान खान? ओके, शुक्रिया। शेर को वोट देना? क्यों, वजह क्या है शेर को क्यों? बस वैसे वैसे तो ये कोई बात ना हुई ना, आप लॉजिक बताएं कि क्यों शेर को वोट देना, वो वजह? ये है कि उनके जो थे ना, जब दौरे हुकूमत थी तब हालात जो थे ना मुल्क के कारोबारी हालात ठीक थे, ये लॉजिक है। जबकि ये हुकूमत आई है, कारोबारी हालात जो है ना वो आपके सामने है। इधर अभी कस्टमर आया, उसको रेट बताया सूट का 3000, उसने सूट जो उसने डिमांड किया उसको चीज़ दी है उसने, लेकिन रेट नहीं बढ़ा, उठ के चलेगी। जी किसको वोट किसको देंगे? वोट भरावा किसी ने भी नहीं देना। क्यों? क्योंकि वोट का हकदार बंदा ही को नजर आता पाया। वोट किनू देना जी? इमरान खान। इमरान खान को क्यों? इन्हों 30 साल वेख्या, ये गुलेट टली वाले ने हिसाब किए ही, कभी वह आ गए कभी वह आ गए कभी वह आ गया, एक दूजे खिलाफ बथेरिया गाल कटते रहे ने, उन्होंने इन्हें हुकूमत 5 साल कर दी नहीं। इमरान खान ही सही है। किसको? शेर को। क्या वजह? अच्छे बंदे ने। आपने किसको देना? नून लीग के, हम तो बचपन से नून लीग के हैं। बचपन से नून लीग। आप ये बताएं जी आप वोट किसको देंगे? जी मैं इंशाल्लाह इमरान खान साहब को वोट दूंगा, उनका नुमाइंदा हमारे हल्के में मोहम्मद अहमद चट्ठा। क्या वजह क्या है खान साहब को क्यों वोट देंगे? खान साहब हक और सच की आवाज़ है। इस टाइम हमने बाबा कायदे आज़म नहीं देखा, हमारे बड़ों ने देखा हुआ है, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कोई लीडर या कायद आया है तो वो इमरान खान की सूरत में हमें मिला है, और हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इसे हयाती भी दे, और इससे अल्लाह ताला भी काम लेना चाहता है। आप देखें ना कि कितनी गोलियां लगी हैं, इससे पहले भी जो मामला थे उन्होंने उसके साथ किए हैं, लेकिन वो बच गया बाल बाल। ये मेरा मालक उससे कोई अच्छा काम लेना चाहता है, और हम आवाम जो है अभी भी बेवकूफ़ बने हुए हैं, इन चोरों और डाकुओं के पीछे लगे हुए हैं। हम सबको चाहिए कि हम यकजा हो जाएँ और इसके पीछे लगे, इसको वोट दें, वोट की ताकत से आगे आए और आकर मुल्क पाकिस्तान की तकदीर बदले। इंशाल्लाह जी इमरान खान साहब को। इमरान खान को क्यों जी? इमरान खान को क्यों? क्योंकि आज तक जितने भी सपोर्टर आए हैं, जितने भी वोटर आए हैं, सबको जूते पड़ते देखा है, गोलियां खाते किसी को नहीं देखा। अच्छा, आपने जो खुला शेर होता है उसको ही गोलियां पड़ती है, वही शिकार होता है। जो पिंजरे के अंदर बैठते हैं उनका शिकार कभी नहीं होता। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वरपाल चट्ठा में, और ये एक कस्बा है, और यहाँ पे भी तकरीबन 8 से 9 हज़ार के करीब जो है रजिस्टर्ड वोटर हैं। यहाँ से हम लोगों की राय लेंगे और जानेंगे कि वो किसके साथ हैं। आइए मैं बताएं जी आप इलेक्शन आने वाले हैं तो इनके किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये
यहाँ तो ज्यादातर चट्टा फैमिली है, चट्टा फैमिली वरपाल चट्टा नाम से भी आपको पता होगा। आप ये बताएं जी, आगे कोई इलेक्शन आने वाले तो किसके साथ किसको सपोर्ट करें जी? इंशाल्लाह तहरीके लबैक को सपोर्ट करेंगे। वोट किसका? इमरान खान का। क्यों? पीटीआई का। वजह? इमरान खान पसंद है। बताएं किसको वोट देना? इमरान खान को। क्या वजह क्या है? बस अच्छा लीडर है। यहाँ पे कौन है उसका नाम? मोहम्मद अहमद चट्टा। मोहम्मद अहमद चट्टा। बाबा जी आप बताएं जी किसको वोट दें? वालेकुम जनाबे वाला, पीटीआई जिंदाबाद। पीटीआई जिंदाबाद। क्यों जिंदाबाद? क्यों जिंदाबाद? जिंदाबाद मुखलिस इंसान। कौन? बेलौस, जिसका नाम इमरान खान। और हमारे कैद है जो हैं ना, वो कौन हैं ये हमसे पूछें। कौन? हमारे कैद हैं मोहम्मद अहमद, जिनका नाम पहचानोगे तो तुम्हें कदर होगी इंशाल्लाह अज़्ज़ल। क्या वजह क्या है, इतनी इमरान खान से मोहब्बत क्यों है? ओए अल्लाह अकबर, वजह वजह ये कि वो हमारे सब कारोबार को समझता, और दूसरे नंबर पे ये है कि वो हर इंसान से मोहब्बत करता है। यहाँ पे तो कारोबारी हल्का बहुत सारा जो है वो तो परेशान है, वो कह रहा है जी कारोबार चल नहीं रहा। आप कह रहे हैं समझते हैं? आप ये जाने कि इस हलके हमारे में आज तक किसी ने सड़क नहीं बनवाई, किसी ने नालियाँ नहीं बनवाई। मोहम्मद अहमद आए चंद लम्हा के लिए आए और उन्होंने बेहतरीन रोड बनवा दिया। मोहम्मद अहमद तो जीते नहीं है, तो फिर कैसे आए? तो किस तरह ले, वो उनके वो थे ना मशीर थे इमरान खान के। हाँ जी आप बताएं जी किसको वोट कर रहे हैं? सपोर्ट किसको? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को। वजह क्या है उसकी? वजह क्या है? उसने काम किया है इधर। अच्छा, ये अभी तो कोई बंदा क्लेम कर रहे थे कि अहमद चट्टा ने ये जो है सड़क बनवाई है और उन्होंने काम करवाए हैं। अहमद चट्टा ने वोट जब दिए हैं तो इस दफा अहमद चट्टा इधर से हरा के हुए। अच्छा, इस कस्बा से यहाँ से हरा था? तो ये तो चट्टा बरादरी नाम भी पता नहीं वरपाल चट्टा और इस तरह है, तो यहाँ पे बरादरी उसके बावजूद यहाँ से हराया था। साढ़े छः सौ से। वोट किसका? तहरीक लबैक। तहरीक लबैक। ओके, आप बता दीजिए किसको वोट देंगे? इमरान खान को। क्यों? वैसे ही आपने देखा यहाँ पे वरपाल चट्टा से लोगों की राय हमने आपके सामने रखी है, और यहाँ पे एक बहुत सारे लोग हैं जो पीटीआई के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं, कुछ लोग जो हैं वो नवाज शरीफ के भी हैं, और आपने यहाँ उनकी राय जानी। थैंक यू। हम इस वक्त मौजूद हैं कलाश के में, और यहाँ पे भी ये भी एक बड़ा कस्बा है इस हलके का, और यहाँ पे भी तकरीबन 10,000 के करीब रजिस्टर्ड वोटर हैं। यहाँ के लोगों की क्या राय है, आइए उनसे जानते हैं। आप किसके साथ हैं? चौधरी अहमद चट्टा। इमरान खान। आप बताएंगे? इमरान खान। आप बताएं जी, आप मतलब इलेक्शन आ रहे हैं तो किसको वोट दे रहे हैं? इमरान खान। क्यों? लीडर है बंदा, सच्चा है, क्यों नहीं देंगे? कौन है उनके उम्मीदवार? कौन है? अहमद चट्टा साहब। आप बताएं जी किसको वोट दे रहे हैं? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को। क्यों? बस वो ही अच्छा है। वही अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, वोट किस नु दे रहे हो? अच्छा, किसे नहीं देना? किसे नहीं देना? वजह? बस क्या वजह बताएं, क्यों नहीं देना वोट? जेड़ा जो मामला कर रहे हैं सर, की जरूरत किसे नहीं देनी? वोट तो देना, किसी को देंगे जो ठीक होगा उसको देना, किसी को भी नहीं देना। वोट किसको दे रहे हैं? वोट जेड़ा चंगा काम कर रहा था उन्हें दिया। कौन? देखो जी नवाज शरीफ भी साडे आ इमरान खान भी, लेकिन जेड़ा अच्छा होवे काम ओदे बाद। लेकिन हुन जेड़े काम होने सन ओ ते हो गए, अब तो जाहिर इलेक्शन आ चुके हैं, तो आप जाहिर किसी ना किसी को तो आप देंगे ना वोट? हुन नवाज शरीफ ने दिया। भाई जान आप ये बताएं कि वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान को देंगे वोट। क्या वजह है? ये बाकी लीडर वालों कोई दयानतदार वही नज़र आंदा है, बाकी दे अंदर 30-40 साल हो गए जो कर रहे हैं। हाँ जी बताएं जी किसको वोट देने? भाई जी ना इमरान खान साडा कोई लगता है, ना शहबाज शरीफ लगता, जेड़ा बंदा चंगा आएगा ना इसे वोट देंगे। कौन आएगा बगैर इलेक्शन तो आगे पास, कौन चंगा आएगा वो दसो ना? फिलहाल तो इमरान खान है, ये है वोट। आप बताएं जी आप किसके साथ हैं? तहरीक लबैक के साथ। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सारों की चीमा में, और ये चीमा बरादरी का जो है वो गढ़ है, और यहाँ से उनके MNA भी हैं, वो भी चीमा है निसार चीमा, और जानते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर मेजॉरिटी यहाँ पे चीमा और चट्टा की है। ज़्यादातर हम गांव जो अभी घूम के आए हैं वो चट्टा बरादरी के थे, अब हम यहाँ पे आए हैं सारोकी में, और आपको जानते हैं कि ये क्या कहते हैं, इनकी राय क्या है। जी ये बताएं कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो किसको वोट दे रहे हैं? जिस टाइम कोई वक्त आएगा फिर देखी जाएगी, साढ़ा एक पैनल बने हैं तो उस पैनल के तहत अभी मशवरा करेंगे तो फिर वोट देंगे। किसका वोट है? पीटीआई। जी क्यों? इनको तो काफ़ी देर हो गई देखते हुए, आजमाते हुए, उनको भी देना है। तो सारों की चीमा इसका नाम है, और चीमा जो गढ़ है, और आपके MNA भी चीमा है,
तो आप अपने अपना ये अपना जाती मतलब वोट है जिसे दिल करे कास्ट करें, वैसे मैं तो पीटीआई को वोट दूंगा। आप बताएं जी, आप किसको वोट दे रहे हैं? सर खान को इंशाल्लाह। क्या वजह है उसकी? सर अल्हम्दुलिल्लाह लोग पढ़े लिखे हैं और हमें पता कौन कितने पानी में है, हम जानते हैं सब कुछ। तो यहाँ पे जो आपका ये हल्का जो है, यहाँ से जो एम एन ए आपके वो हैं चीमा साहब ना जी, ठीक है, तो आप उनके साथ? नहीं सर बिल्कुल नहीं। आप बताएं जी आपका वोट किसके लिए? खान साहब का। वोट किसको दे रहे हैं? वोट इमरान खान को। इमरान खान को क्यों? इमरान खान बस सही आदमी है। सही आदमी है? हाँ जी बिल्कुल। वोट जो सही होते उसको देगा। अभी तो सही जो भी है, जो सही है या नहीं है वो तो अब हो गया, अब तो वोट आ रहे हैं, तो आप किसको देना? हम तो पीटीआई को दे। पीटीआई को जी। ये था जी सारों की, और यहाँ पे आपने देखा लोगों की राय आपने जानी। अब चलते हैं वजीराबाद और वहाँ पे जाके आपको बताएंगे कि लोग वहाँ पे क्या सोचते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खटोर कलां में, और ये एमएनए निसार चीमा का गांव है। आपको मैं दिखा सकता हूँ कि ये उनका डेरा है, और हम यहाँ पे लोगों की राय जानने के लिए यहाँ आए हैं। हम यहाँ पे लोगों से पूछेंगे कि क्या वो उनकी कारकर्दगी से खुश हैं या नहीं। आगे इलेक्शन आने वाले हैं, और यह इस हल्के से दायरे ये एमएनए भी थे, तो डॉक्टर सराम साहब का हल्का है और इंशाल्लाह जीते गए अच्छे, उनके लोगों के साथ हालात भी बड़े अच्छे हैं, ताल्लुक भी अच्छा है, और वो आदमी बहुत अच्छे लोगों का काम भी करते हैं, इंशाल्लाह वो जीते गए यहाँ से। आप उनसे खुश हैं? हाँ हम बहुत खुश हैं। हमें ये बताएं कि आप आने वाले इलेक्शन में वोट किसको? इमरान खान। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, हाँ, तो उनमें किसको सपोर्ट करेंगे? अपने पिंड वाले जज साहब। जज साहब? अभी जज साहब तो इलेक्शन नहीं लड़ते, अब तो उनके भाई लड़ते हैं। ओहो, साढ़े तो कोई पार्टी है नहीं, कोई कार है ना। अच्छा, तो उनको वोट देंगे? हाँ उनको वोट देंगे। वोट किन वास्ते जी? मेरे को तो वोट आई कोई नहीं। क्यों नहीं, किन्दे कोले? मैं तो अल्लाह दा बंदा हां। अल्लाह दे बंदे ते कोई वोट होंदा? वो किथे जे तुहाडे कोल? वाओ, दसो किन्नू देना वोट? टाइम आया तो वेखी जाए। इमरान नूं सलाह है, इमरान बंदा चंगा जा पिया। बंदा चंगा है? चंगा जापिया, तकरीर करता बड़ी सोहनी। अच्छा, आपका बाबा जी किसको वोट है? मियां नवाज शरीफ का, चौधरी जाई साहब बनाना। ओके शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं गखड़ मंडी के अंदर, और ये भी हल्का NA 73 का बिल्कुल आखिरी सरहद है, इससे आगे गुजरांवाला शुरू हो जाता है और दूसरा हल्का शुरू हो जाएगा। आज दिन भर हमने इनके छोटे बड़े देहात में दौरा किया, वहाँ लोगों की राय जानी। अभी हम जानते हैं कि यहाँ लोगों की कौन सी च्वाइस है, किसको वो वोट देंगे, किसको वो सपोर्ट करेंगे। आइए हम आपको सुनाते हैं। आप बताएं जी आप किसके साथ हैं? इमरान खान साहब। इमरान खान? नून लीग। नून लीग? नून लीग। क्या वजह है नून लीग के, क्यों सपोर्ट? कोई वजह है या नहीं है? ओके, आप किसके? नून लीग। क्यों? क्यों? क्योंकि इमरान खान कड़ी चोड़ है, इन्होंने काम कराए ने, रोड बनाए ने, हर एक चीज़ की है इन्होंने, नवाज शरीफ ने बड़े अच्छे काम किए ने, रोज़गार से उस वक्त हूँ रोज़गार है ही नहीं, नवाज शरीफ आएगा तो अच्छा काम करेगा। आप बताएं जी क्या आप कह रहे थे कि आप इनका लीडर झूठा है? इनका लीडर झूठा है, और ये कह रहे हैं आपका नहीं, वो यू टर्न है, यू टर्न मराहा, यू टर्न खान है, हैं लंदन भाग गया, चोर है भाई वो, भाई वो चोर है, एरी जनानी मुर्शद है, मुर्शद ने नाल ब्याह किया सो। आप बताएं जी आप इमरान खान लीडर है? इमरान खान लीडर है कादा अपने बच्चे चोर है वो, दिल की जान टुकड़ा अल्लाह ताला उसको, मैं उसके नाम के नफर पढ़ती हूँ दो रोज, उसके तंदुरुस्ती और सेहत के तो दुश्मनों से दूर रखे अल्लाह उसको, तंदुरुस्ती जिंदगी सेहत है। इमरान हाँ मेरी जान जिंदाबाद, मेरा भाई है एक, उसको बेटा कोई लालच नहीं किसी किस्म का, ना उन्हें इधर से लूट लूट कर कंपनियां बनानी है, वो एक घंटा लगाए ना 15-20 रुपया इकट्ठा कर, उसको कोई लालच नहीं, ना उसके बच्चों को कंपनियां बना के देनी, मुल्क के लिए सोचना। ये जो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने घड़ी बेच दी और ये वो, ये क्या है? ये बकवास है घड़ी का, पता क्या ये इतनी इतनी चीजें उसको कुछ नहीं, वो नहीं समझता, वो नहीं समझता इसको कुछ, वो जो घंटे में 15-20 अरब रुपए इकट्ठा कर तो घड़ी का क्या है? जिसका एक सैन 22 करोड़ का बिकता हो, बिकता हो वो घड़ी लेगा इनसे? ये बकवास है सारी, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं ये सारे, झूठ
मैं अल्लाह के फजल के अल्लाह को हाजर ना जिंदा पर पढ़ती हूं डाकू ने लौना है हमारे इंपोर्टर का मौसला तो ही है हमारा भाई है अल्लाह तंदुरुस्ती दे उसको जिंदगी दे सेहत दे उसके लिए नफल पढ़ती हूं मैं शेर का वोट हूं क्यों इसलिए कि उन्होंने मुल्क की तरक्की की इसलिए क्या किया 3 साल में सात भाई के नवी बहुत की तबाही कर छिड़ी इस आदमी ने साड़ी नवी बहुत का बेड़ा गर्क कर दिया अभी इस वक्त अभी बेड़ा गर्क कर दिया इसने क्या किया उसने क्या तो देखो क्या हुआ क्या शौर दिया उसने पूरे दलों के खिलाफ ये बोल रहा है कभी फौज के खिलाफ कभी इधर हमें वोट दे दो तो ठीक है क्या बोल क्या किया नवाज शरीफ जो नवाज शरीफ ने किया कुछ नहीं किया ये तीन साल में आए उधर क्या कर रहा है ये लीडर है लीडर नहीं है ऐसा इसका नाम ना ये यहूदियों का पैरोकार है ये यहूदियों का पैरोकार है ये बंदा पाकिस्तान में हो ये यहूदियों का पैरोकार है वो हमें चाहिए जाहिर है जी नून लीग को ही देना है नून लीग को देना है बिल्कुल जाहिर है क्या क्या मतलब है इसका क्या और ऑप्शन ही नहीं है कोई भी ऑप्शन नहीं है हाँ एक था ऑप्शन उसको देख लिया क्या होता है पता नहीं अच्छा क्या देखा उसमें से क्या हुआ क्या मसला क्या हुआ जबान खलोस जो देखा है जो जबान का लहजा रहा है वो नकाबले कबूल है इमरान खान ने सियासत को गंदा कर दिया सियासत को कैसे गंदा कर दिया जबान ही इस तरह की आप बताए जी आपका वोट किसके लिए जी शेर को शेर को हाँ क्यों क्या वजह शेर को शेर शेर ये शेर खड़े हैं अच्छा आप खुद शेर हैं इस वजह से आप खुद शेर हैं इस वजह से खुद शेर है ओके वोट शेर का बताएं जी आप इलेक्शन में वोट किसको देंगे वोट तो फिलहाल जो हालात चल रहे हैं किसी को भी नहीं देंगे किसी को भी नहीं देंगे हाँ आप बताएं जी आपका वोट बेनजीर भुट्टो बेनजीर भुट्टो हाँ जी हाँ जी ये कोई पहला वोट है जो हमें यहाँ पे बेनजीर भुट्टो का नाम लेने वाला भी है कि क्या बेनजीर किधर है अभी बेनजीर शहीद होगी बेनजीर होती तो हमारे तनख्वाह होती हम ऐसे बैठा होता कोई काम शाम ना करता क्या बेनजी ने क्या आपको दिया था कि आप ऐसे बैठे होते और काम ना करते उसको हुकूमत में होती ना इधर हम वो हमारे लोग आते इधर इधर ही आके काम करते हम ऐसे बैठे रहते मुसलमान तो अभी आपका यहाँ से इस हल्के में कौन है उम्मीदवार जो आपको नजर आता है कि वो बेनजीर का होगा ये बड़ा दुनिया है जिसको समझ आ जाएगी वो बेनजीर का हो जाएगा जिसको समझ ना आएगी वो इमरान खान का हो जाएगा अच्छा आप ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान के साथ जाएगा वो उसको समझ नहीं है हाँ उसको समझ नहीं है वो पागल है जदूद वो आया उन्हें परेशानी हमारी होगी जदूद इमरान खान आया ना वो तो इस मुल्क बड़ी परेशानी आ गई है वोट किसको नवाज शरीफ को नवाज शरीफ को जी क्यों अच्छा बंदा है उन्हें चीज़ें सस्तियाँ कर देना ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਘਿਓ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਆਟਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ 145 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਨਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ ਟਰੱਕ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਾ ਗੱਖੜ ਮੰਡੀ ਮੈਂ ਆਪ ਬਤਾਏ ਜੀ ਆਪਕਾ ਵੋਟ ਕਿਸਕੇ ਲਈ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਇਧਰ ਖੜੀ ਹੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪ ਵੀ ਆਏ ਜੀ ਇਧਰ ਆਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ इमरान खान सबसे बेस्ट है इमरान खान सबसे बेस्ट है हाँ बेस्ट है तो क्या खास वजह क्या क्यों उसको वोट आपने वो बस सब कुछ उसने सही किया है उसने नवाज शरीफ ने कुछ भी नहीं किया बाकी ने किसी ने कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया इमरान खान ही है जो आप बताएं जी वोट किसका किसका भी नहीं अपना ही है क्यों अपना ही है कौन जीतेगा और कौन हारेगा मैं हूँ इस वक्त वजीराबाद और सबसे बड़ा फैसला इसी शहर का होता है आने वाले इलेक्शन में कौन किसके साथ है आइए हम इनसे जानते हैं बताएं कि आगे इलेक्शन आ रहे हैं तो किसको वोट देना है वो नवाज शरीफ को वोट देंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जी जनाब आप बताएं आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसको वोट इमरान खान का फैन हूं वोट भी उसको दूंगा चाहे सजाए मौत हो जाए चाहे बिजली से मरना पड़ जाए वोट मैं उनको दूंगा इमरान खान को सरे आम दूंगा ना बिकने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ टके का मजदूर हूँ कमाई करके बच्चों को ही पालता हूँ आप भी खाता हूँ कौन आपको सजाए मौत देगा वोट देने पे कौन सजाए मौत देता है होता ही है ना जी किसी का प्रेशर इमरान खान को गोली बज सकती है हमें भी बज सकती है वोट में किसको देंगे वोट किसको देंगे नवाज शरीफ इंशाल्लाह ताला अच्छा नवाज शरीफ का और इससे फिश का क्या ताल्लुक है आपका मतलब नवाज शरीफ का सपोर्टर है हमें वो अच्छा लगता है नवाज शरीफ अच्छा लगता है क्यों अच्छा लगता है क्या लीडर है हमारा उसके काम अच्छे उसने काम किया है दिखाया खाया भी है ठीक है दिखाया भी है उसने किसी का घड़ी चोर नहीं है आने वाले इलेक्शन में आपकी चॉइस कौन सी है कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करें मैं नून लीग को सपोर्ट करूंगा इंशाल्लाह अच्छा क्या नून लीग की क्या कहा नून लीग की
खसूसियत ये कि जो कंडीशन से हम गुजर रहे हैं मौजूदा हालात से, चार साल से जो हमने फीलिंग्स देखी हैं, अपने कारोबार देखे हैं, हम बहुत पीछे चले गए, बहुत पीछे चले गए। जो जब नवाज शरीफ का दौर था उस दौर के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डेवलप किया, ऊपर हम बहुत ऊपर लेवल तक जाके हमने काम किया, बड़ी अच्छी हमारे काम थे, हम सुकून से खाते थे। हम इमरान खान से सेटिस्फाई नहीं है। इमरान खान ने तो वादे ही ऐसे किए हैं जैसे आजकल की लड़कियां लड़कों से करती हैं और लड़के लड़कियों से करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं चांद तारे तोड़ के ला दूंगा। हाँ साहब का कौन सा वादा है जो उन्होंने पूरा किया है? हाँ साहब ये अपना मिशन लेके आए थे मैं करप्शन खत्म करूंगा, कौन सी करप्शन हाँ साहब ने खत्म की है? ये सब जो है ना किसी की गोद में बैठ के आगे आना चाहते हैं, किसी का फीडर, कोई जर्नैल किसी की पैदाइश है, कोई किसी की पैदाइश है, ये सब एक दूसरे के काने हैं। इन्हें अपना नहीं पता ये किसके हैं। जब इनका इनकी डोरियां किसी और के हाथों में होती हैं, जो मर्जी जब मर्जी खींच ले, आवाम को इन सब ने पागल बना दिया है। आप किसके किसी के साथ भी नहीं है, किसी के साथ नहीं है। किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट देंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जी, कोई ये उम्मीदवार खड़ा करेगी हम उसको वोट देंगे। बताएं जी किसको वोट किसको देंगे? मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून क्यों? हम उसकी जमात के साथी हैं। आप बताएं जी वोट किसके लिए? इमरान खान के लिए, तरीके इंसाफ। तरीके इंसाफ जी। क्यों, वजह क्या उसकी? वो पॉपुलर लीडर है। क्यों? जान खुदा की, वोट इमरान खान का। तो आप किसके साथ हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम पीटीआई को, इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कोई इसकी खास वजह क्या है? बस खास वजह यही है जो आज़ाद खर्चा पॉलिसी और मुल्क की को जिस तरफ अच्छे तरीके से लेकर जा रहे हैं, जो इकोनॉमिकल इंडिकेटर थे उनके दौर में और जो उसके बाद हैं, उस हवाले से हम समझते हैं कि ये ठीक है, खान साहब ठीक है। आप बताएं जी, आप यहाँ पे रहते हैं और हमें बताएं कि यहाँ पे क्या माहौल बन रहा है, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अभी डेफिनेटली पूरा वज़ीराबाद जो है वो पीटीआई को सपोर्ट करने के मूड में है। पूरा वज़ीराबाद जो है पीटीआई को सपोर्ट करने में मूड में है? मूड कैसे, आप मतलब आपका मूड है या बाकी सबका भी मूड है? नहीं, अक्सरियत का मूड है, मेजॉरिटी का मूड है। नहीं, आप अक्सरियत का कैसे तयन कर सकते? देखिए मैं तो समझता हूँ खान साहब के साथ जो अल्लाह ताला की तरफ से एक खास लोगों के दिलों में मोहब्बत है और जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, खान साहब जिस तरफ भी जाते हैं लोग और हवा जो है उस तरफ चल पड़ती है, ये अल्लाह ताला की उनकी खास मेहरबानी है। पीटीआई को करेंगे सपोर्ट। पीटीआई को क्यों, क्या वजह? उनको करना चाहिए, नून लीग को करने का क्या फ़ायदा है? जी आप बताएं जी किसके साथ हैं? जी हम तो शुरू से पीटीआई के साथ थे और इंशाल्लाह अभी पीटीआई के साथ हैं। क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की बका सिर्फ इमरान खान के हाथों में है, उसके अलावा इस मुल्क को संभाला कोई और दे ही नहीं सकता। चीमा या चट्ठा, एक बार फिर दोनों में सख्त मुकाबला होने जा रहा है। आज दिन भर हमने 73 हल्के का दौरा किया, छोटे बड़े देहात में गए, शहरों का विजिट किया और हमारे सर्वे के मुताबिक इस बार अहमद चट्ठा आने को है। अब्दुर्रज़ाक सियाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।